फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ भिंडी मसाला। ये बहुत ही आसानी से बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो मैंने भिंडी ली थी, इसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है और उसके बाद इसे मैं काट रही हूँ। और इसे काटना भी बहुत आसान है, सिर्फ भिंडी को जो है ना दो पीस में काटना है। एक आगे से इसके ये निकाल दीजिए और पीछे से इसकी साइड्स को निकाल दीजिए और बस बीच में से इसे इस तरह से कर लेंगे दो पीस में। तो इसी तरह से जितनी भी भिंडी है उसे मैं काट लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। भिंडी को तो मैंने काट लिया है, तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। अभी ऑयल हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अभी हमें सिर्फ भिंडी को जो है ना फ्राई करना है, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी मैं आपको रिटिन में अपने वीडियो में दे दूंगी। तो अब इसमें हम जो है ना भिंडी को ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अभी 3 से 4 मिनट के लिए हमें भिंडी को इसमें फ्राई करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से जो भिंडी के अंदर चिपचिपापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अब इसे जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, भिंडी जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे अच्छा सा कलर भी आ गया है, और साथ ही में जो इसका चिपचिपापन था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो इसका मसाला है अब उसे हम रेडी कर लेंगे। तो पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए जीरे को जो है ना ऑयल में पका लेंगे। और साथ ही में इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिंच हींग। और अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये मैंने प्याज बारीक चॉप कर ली है। प्याज को हमें इतना पकाना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, लाइट गोल्डन सी हो जाए बस। ये देखिए, प्याज का कलर जो है ना लाइट गोल्डन हो चुका है, बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना था। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। मैंने अदरक लहसुन को जो है ना क्रश कर लिया, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसका। और इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। इस टाइम पे जो है ना फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि जो ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे ना वो एकदम से जल जाएंगी हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, ये मैंने लिए हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और ये रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर, और नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें जो है ना मिर्च, नमक और ऑयल अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये सब्ज़ी बन जाती है, बहुत ही जल्दी इसे बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। अब फ्लेम को जो ना थोड़ा तेज़ कर देंगे, ड्राई स्पाइसेस डाली थी ना तो फ्लेम स्लो कर दी थी। तो ये देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। जो ऑयल है ना, ये देखिए इसके सरफेस पे आने लगा है। तो अब इसमें ऐड करेंगे करीब 2 टेबल स्पून दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, और इसे भी मिक्स करेंगे और एक बार और मसाले को भून लेंगे। तो ये देखिए, इसमें जो मैंने दही डाला था उसका पानी भी ड्राई हो गया है और मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें करीब 100 ml पानी ऐड कर रही हूँ बस। और जब ये मसाला अच्छे से पकने लगेगा तो इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मसाला जो है ना बहुत अच्छे से पकने लगा है। तो अब इसमें हम जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी इसे ऐड करेंगे। भिंडी को हमने पहले भी फ्राई करा था, तो इसलिए ये करीब 30 से 40% तक कुक हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें भिंडी को इसमें। तो ये देखिए, भिंडी को जो है ना मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसे जो है ना हम कवर कर देंगे और कवर करके करीब 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे कुक नहीं करना है। अगर ज़्यादा देर तक भिंडी को आप पकाएंगे तो भिंडी जो है ना मसाले में मैश हो जाएगी, तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए, भिंडी को पकते हुए हो गए पूरे 5 मिनट। इसे खोल के देखिए, कितनी ज़बरदस्त दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर भी आया है और काफ़ी अच्छे से खुशबू भी आ रही है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और ये तैयार है शानदार से भिंडी मसाला। आप देखें कितना ज़बरदस्त। और अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, और गैस को बंद कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है, ट्राई ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए इसी तरह की आसान से बनने वाली टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लाती रहूँगी। इंजॉय करें मज़ेदार सा भिंडी मसाला विशिवास किचन। थैंक यू।